जय अवतरण वैश्व मोटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्रों की खबर, आपका अपना चैनल वैश्व मोटेन। खबर पौड़ी से, कारगिल शहीद वीर चक्र विजेता अनुसुया प्रसाद ध्यानी की स्मृति में जिंदा इंटर कॉलेज किलबुखाल में उन्हें याद कर उनकी स्मृति में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहाँ पर हमारे सीडीएस रहे विपिन सिंह रावत जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उन्हें याद किया गया। और यहाँ पर बच्चों के द्वारा कार्यक्रम के बाद यहाँ पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता आरंभ की गई। देखिए हमारी यह सहयोग रावत की। अभी सोना बाकी है, से अनुरोध है कि ग्राउंड पर पहुंचकर आज के मैच का यहां पर उद्घाटन आप लोगों के द्वारा होना है। आज के पहले मुकाबला जो होगा यारिया क्लब और सुंदरली है। हमारे मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्ति हमसे पत्र प्राप्त करते हुए कैप्टन साहब, चलो हम देख रहे हैं शीघ्र ही यहाँ पर अपने टीम के खिलाड़ियों के नाम भेजे चलाएं। मैच का विनिमत विराट गेंद को मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती अनुकृति गोसाई जी के द्वारा भी टॉस कर प्रतियोगिता और इस मौके पे बात करते हैं वह महिला अध्यक्ष अनुकृति कुशाई राव जी पहुंची थी। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर वॉइस ऑफ माउंटेन पे आपका। और जो आज यहाँ पे मेहमान नवाजी का एक मौका मिला और ये वॉलीबॉल प्रतियोगिता यहाँ पे रखी गई थी, एक जो शहीद हुए थे ध्यानी जी और उनकी यादों को ताज़ा बनाया गया। आज जो इस देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट का मैच चलता है लेकिन आज वॉलीबॉल का फिर भी क्रेज बना हुआ है, इसको किस ढंग से आप देखते हैं? देखिए मैं सोचती हूँ कि आज जो हमारे वीर चक्र प्राप्त स्वर्गीय और शहीद श्री अनुसुईया प्रसाद ध्यानी जी की स्मृति पुण्य स्मृति में जो यहाँ पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता पिछले 15 सालों से यहाँ पर आयोजित की जा रही है, मैं सोच रही हूँ कि ये एक वाकई एक बहुत प्रेरणादायक सोच है और बहुत अच्छा काम है। क्योंकि मैंने देखा है पर्सनली भी कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर वॉलीबॉल को लेकर स्पोर्ट्स को अगर आप बढ़ावा देंगे उसके लिए प्रॉपर स्टेडियम्स होने चाहिए। अभी मैं बात भी कर रही थी तो प्रॉपर ग्राउंड्स हमारे पास नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि अगर एक अच्छे ग्राउंड्स के माध्यम से एक अच्छी अकेडमी बनाकर या मतलब मैं तो सोचती हूँ कि एक स्टेडियम भी अगर हम उसके लिए बनाते हैं और अगर 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 हम लोग कोशिश कर सकते हैं तो स्टेट के साथ वो नेशनल पे खेल सकते हैं। मैं सोचती हूँ इस तरीके से जब हम इस चीज़ का विस्तार करेंगे तो स्वतः ही जो हमारे बच्चे खेल रहे हैं उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और उनको एक मैं सोचती हूँ कि इसको एक करियर के रूप में वो लें। यही मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ इस तरीके के काम हम इस क्षेत्र में करें ताकि एक अच्छे ग्राउंड्स बनाएं, अच्छी सुविधाएं उनको दें जिससे वो अपने आप को अच्छी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तरायण।
पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा